तो हेलो भाई लोग, तो सारे बंदे लोग कैसे हो, अच्छे हो ना। तो भाई लोग, अभी जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा, ये वीडियो WRG भाई का है, जो अभी के टाइम पे वायरल चल रहा है, जहाँ पे भाई का एक दिन पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज क्रॉस हो चुका है। और भाई लोग, अभी के टाइम पे अगर आप इस तरह का शॉर्ट वीडियो बनाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका वीडियो वायरल जाएगा। तो भाई लोग, इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना आज की इस वीडियो में आपको A to Z प्रोसेस सिखा दूंगा। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है, अगर स्किप वगैरह करोगे तो नहीं सीख पाओगे। एंड भाई लोग, आप लोगों को पता है जो वीडियो वायरल जाता है उसी के ऊपर ट्यूटोरियल लाता हूं आप लोगों का हेल्प करने के लिए। तो आप लोग ही मेरा हेल्प कर देना, बस आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना है एंड भाई लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। और भाई लोग, इस वीडियो में 1K लाइक टारगेट रखता हूँ और 500 कमेंट टारगेट रखता हूँ, तो जरूर कंप्लीट कर देना। किसी वीडियो में नहीं रखता भाई लोग, बस इस वीडियो में रखा हूँ, तो जरूर भाई लोग कंप्लीट कर देना। एंड भाई लोग, आप लोगों को पता ही है 10K स्पेशल Q&A वीडियो आने वाला था, बट नहीं आ पाया, इसका कुछ रीजन था। ओके, बहुत भाई लोग बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो टेंशन मत लो यार, जब भी Q&A वीडियो में फिर से लाऊंगा इसके लिए भाई लोग मैं पोस्ट कर दूंगा, तो भर भरे कमेंट करना। एंड जो जो बंदे कमेंट किया था, तो इसका मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो इसके लिए भाई लोग आप लोगों को दिल से सॉरी। ओके, तो चलिए भाई लोग, अब चलते हैं रिकॉर्डिंग की ओर। तो भाई लोग, इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपली आपको इस वाले क्राफ्टलैंड मैप में आ जाना है आपके फ्रेंड के साथ। एंड भाई लोग, इस क्राफ्टलैंड मैप का मैप कोड एंड पासवर्ड मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, सिंपली आप वहीं चेकआउट कर लेना। एंड व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में दे दिया हूं। तो सिंपली भाई लोग यहाँ पे आना एंड आकर भाई लोग सिंपली यानी कोड पासवर्ड देकर ओपन कर लेना। एंड यहाँ भाई लोग फाइल के ऊपर क्लिक करें, बाइक परचेज कर लेना और उसके बाद आपके फ्रेंड को इस बाइक पर बैठा लेना। और भाई लोग, आपको चले जाना है इस वाले लोकेशन पर जहाँ पे WRG भाई ने रिकॉर्डिंग किया है। तो चलो भाई लोग, सिंपली आप यहाँ पे आ जाना। ओके, इस तरह से भाई लोग आ जाना आपके फ्रेंड के साथ एंड फिर से इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना एंड ओपन पे क्लिक करके आपको भाई लोग आपका फ्रेंड को बोल देना कि भाई तो हुक गन परचेज कर ले। ओके, तो आपका यहाँ पे फ्रेंड हुक गन परचेज कर लेगा एंड आपको भी कुछ गन ले लेना है और आपके फ्रेंड को भी कोई भी गन ले लेने को बोलना है। उसके बाद भाई लोग, आपको इस तरह से आगे तरफ आना है और आपका फ्रेंड को बाइक लेकर इस तरह के आगे तरफ जाने को बोलना है। और आप भाई लोग, आपके फ्रेंड को इस तरह से कुछ डैमेज दे देना और आपका फ्रेंड ही भाई लोग इस तरह से आपको कुछ डैमेज दे देगा। ओके, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ईजी है। एंड उसके बाद आपका फ्रेंड को बोल देना है कि भाई तू हुक गन की मदद से ऊपर उड़ जा, तो ऊपर उड़ जाएगा। और आपको यहाँ पे सिंपली इस तरह से आगे तरफ आकर आप जो भी चाहे इमोट मार सकते हो। ओके, आप अपनी मर्जी में कोई भी एक इमोट मार के इस तरह से भाई लोग आपको एक इमोट मार लेना, तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा। ओके, एंड उसके बाद भाई लोग सिंपली आपको फिर से फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है तो स्टोर आ जाएगा। तो सिंपली उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे भाई लोग आपको ग्रैंड मिल जाएगा, तो सिंपली ग्रैंड परचेज कर लेना। एंड परचेज करने के बाद फिर से आपको इस तरह से यानी मूव यानी हिलाना नहीं है, ओके, सीधा ही रखना। एंड उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, जाकर भाई लोग सिंपली यहाँ पे ग्रेनेड कर देना है। तो जैसे ही आप ग्रेनेड कर दोगे, यहाँ पे भाई लोग आपके यहाँ पे स्टोन आ जाएगा। तो ये मैप का खासियत है, जैसे ही ग्रेनेड करोगे स्टोन आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा। तो सिंपली इस तरह से भाग के आना है और यहाँ पे पत्थर में चढ़ जाना है और चढ़कर भाई लोग सिंपली आपको आपके फ्रेंड यहाँ पे बैठा है भाई, तो सिंपली आके आपके फ्रेंड को इस तरह से भाई लोग एंगल करके आपका फ्रेंड को मार देना है हेडशॉट, तो मर जाएगा। और मरने के बाद इस तरह से भाई लोग आपको कूद कर रिकॉर्डिंग एंड कर देना है। तो चलिए आप एडिटिंग की ओर। तो भाई लोग, इसको एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको कैपकट में आ जाना है किसी VPN को कनेक्ट करके। एंड भाई लोग सिंपली आपको अपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वीडियो, सिंपली आप यहाँ पे इसको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना। एंड उसके बाद सिंपली भाई लोग, सबसे पहले तो हम हर एक वीडियो में दिखाता हूँ, एक्सेल रेशियो पे आना एंड 9:16 कर लेना। एंड इसके बाद आपका लेयर के ऊपर क्लिक कर देना एंड क्लिक करके इस तरह से भाई लोग इसको जूम कर लेना। ओके, तो भाई लोग जूम कर लेना। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा यहाँ पे यानी जगह छोड़ सकते हो सब्सक्राइब लिखने के लिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ओके भाई लोग, इतना काम करना। एंड भाई लोग, यहाँ पे आप देख लेना कि आपका यहाँ पे कैरेक्टर सीधा होता है कि नहीं, तो सीधा पोजीशन पे रखना। ओके, तो इस तरह से भाई लोग यहाँ पे आप अच्छा से इसको एडजस्ट वगैरह कर लेना। एंड उसके बाद भाई लोग, सबसे पहले हम इसका क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इस पर स्प्लिट वगैरह करेंगे। तो उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे एडजस्ट पे, और एडजस्ट पर नहीं भाई लोग, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पन, ब्राइटनेस सारे वगैरह भाई लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना, तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगा। सैचुरेशन यानी सैचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना, जिससे हमारा वीडियो में ज़्यादा क्वालिटी हाई होता है। और शार्पन को तो भाई लोग हमेशा आपको फुल कर देना है। ओके, और भाई लोग यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आपके यानी क्लिप के अकॉर्डिंग भाई लोग आपको यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं भाई लोग यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिया हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे सिंपली आप इतना एडजस्ट कर लेना। ओके, इतना एडजस्ट कर लेना। एंड इतना एडजस्ट करने के बाद सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना है, यानी आपका जो भी बेकार का पार्ट है, जो भी सीन है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक एक कर डिलीट कर देना है। तो जल्दी से फटाक से चलिए मैं यहाँ पे एक एक पार्ट डिलीट करके आपको मैं दिखाता हूँ। ओके,
पहले देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसके लिए ध्यान से समझ जाना और वीडियो बनाना, ठीक है। तो देखो पहले सिंपली जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से ग्रेनेड लगा कर देता हूँ एंड फिर से पहले मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो पहले यहाँ पे जो बेकार सीन वाला है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ ये करता हूँ, यहाँ से पहले मेरा बहुत यानी 2-3 सेकंड वेस्ट हो रहा है, तो पहले वो आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं चाहिए। तो सिंपली पहले जैसे यहाँ पे पत्थर, तो जैसे ही पहले पत्थर आने वाला है तो सिंपली स्प्लिट मारना एंड बीच के पार्ट को डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से पहले कर लेना बहुत ईजी है। और पहले जैसे मैं यहाँ पत्थर वगैरह मारता हूँ तो उसको भी थोड़ा स्पीड कर देना, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड कर देना। तो यहाँ पे मैं यानी इसको 1.2 या 3 सेकंड कर दूंगा, ज़्यादा स्पीड मत करना बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से करना एंड करने के बाद भले जैसे ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाता हूँ और जाके यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को मार देता हूँ, ओके मार देता हूँ एंड मार के यहाँ पे मैं कूद के ये कर लेता हूँ। तो भाई लोग आपको यहाँ पे इतना पार्ट रखना है एंड भाई लोग यहाँ पे फिर ही मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कितना यानी जो 40 सेकंड का मेरे यहाँ पे वीडियो हो चुका है, बट मुझे तो बस 19 सेकंड का वीडियो चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा कौन कौन पार्ट, यहाँ पे मेरा जो ज़्यादा यानी लॉन्ग है तो इसको मैं सही कर लूँगा। तो देखो यहाँ पे मैं भाग रहा था तो मेरा ये भी ज़्यादा है, तो सब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड कर लेता हूँ, 1.5 या 4 सेकंड कर लूँगा। यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे मेरा फ्रेंड को मार दिया हूँ एंड मार के, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे अपना फ्रेंड को इस तरह से मार रहा था, तो मार के जैसे ही भाई लोग मैं इस तरह से यानी देखो मैं इस तरह से यहाँ पे छलांग लगाता, इस तरह से छलांग जैसे ही लगाता हूँ तो भाई लोग आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है एंड पीछे बात को यहाँ पे डिलीट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका वीडियो छोटा हो जाएगा, तो आप कर लेना एंड वालों अभी हमारा इंपॉर्टेंट काम आता है जहाँ पे आप इफेक्ट वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड करेंगे, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो देखो भाई लोग जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरह से अपने फ्रेंड को मार दिया एंड मारने के बाद यहाँ इमोट वगैरह भी हो चुका है, और उसके बाद वालों मेरा यहाँ पे इमोट जो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा इमोट ही रखूँगा। तो देखो इस तरह से मैं जो आइस दिखा रहा था तो यहाँ पे भाई लोग मैं इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इजीली हो चुका है, तो मेरा वीडियो छोटा भी हो चुका है। तो देखो मैं इस तरह से आइस दिखा रहा था, तो उसके बाद मैं इस तरह से आगे की तरफ जाकर जैसे ही ग्रेनेड करता हूँ लोग जैसे यहाँ पे पत्थर मेरा आ जाता है, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लगाना है, तो सिंपल यहाँ पे आप आ जाना है इफेक्ट्स में और वीडियो इफेक्ट्स में आ जाना है। सिंपली भाई लोग आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ग्रेनेड मैंने किया था और जहाँ पे भाई लोग मेरा स्टोन यहाँ पे आ रहा था। देखो जैसे ही मेरा यहाँ पे स्टोन आने वाला था तो थोड़ा इसके यानी पीछे आ जाना एंड आकर भाई लोग आपको यहाँ पे जो ब्राइवन फ्लैश वाला इफेक्ट यहाँ पे आप इस तरह से ऐड कर लेना। सिंपली भाई लोग यहाँ पे आप ब्राइवन फ्लैश वाला इफेक्ट दे देना, ओके। एंड देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ रहा था, तो सिंपल इसको थोड़ा सा पीछे कर देना एंड जैसे वालों यहाँ पे फ्लैश आता है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टोन आ चुका है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेना एंड एडजस्ट पे आके वालों इसका आप इंटेंसिटी को थोड़ा यहाँ पे कमा देना, ओके, माइनस कर देना एंड ग्लो को वालों थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। तो पहले इतना करना एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे वालों देखने में बहुत ही अच्छा लगे। एंड वालों आपको और एक इफेक्ट देना है एंड बोलो आपको सिंपली फिर से इफेक्ट में आना है एंड वीडियो इफेक्ट पे आ जाना है एंड आकर भाई लोग आपको यहाँ पे शेक वाला इफेक्ट दे देना है, शेक वाला इफेक्ट दे देना है और देकर भाई लोग सिंपली इसको यहाँ पे टिक कर देना है एंड टिक करने के बाद फिर से आपको एडजस्ट पे आना है एंड इसका भाई लोग स्पीड एंड इंटेंसिटी को मैं जितना रखना हूँ यानी 15 के अराउंड में रख देना, ओके, 50 के अराउंड में रख देना एंड इसको भाई लोग आपको यहाँ पे यानी दूसरा वाला इफेक्ट है अकॉर्डिंग ही रख देना है एंड भाई लोग आपको यहाँ पे इस तरह से काम कर लेना है एंड करके भाई लोग जहाँ पे हमारा यहाँ पे जो चढ़ रहा था ये कर रहा था उसके बाद भाई लोग जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे जो कैरेक्टर को मार देता है एंड मार के भाई लोग जैसे मेरे यहाँ पे इस पोस्ट पे आ रहा था तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस वाले पोस्ट पे क्लिक करना है एंड क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपल लास्ट का के आपको यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा। सिंपली वालों आपको इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ले लेना है एंड वालों आपको यहाँ पे एक ट्रोल फेस ऐड करना है, तो अभी वालों मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर वालों वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो जल्दी से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। चलो सिंपली आपको ये वाला ट्रोल फेस ले लेना है, मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसको वाले सिंपली आप इस तरह से अपने यानी कैरेक्टर के मुंह के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना एंड लास्ट तक कर देना। बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, और अगर चाहो तो आप यहाँ पे अपने हिसाब में कुछ भी एडिटिंग कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस मैं जितना बता रहा हूँ आपको बस यहाँ पे इतना एडिटिंग ही करना है और सिंपली वालों आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एंड वालों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो देखना। तो एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको बाकी चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई लोग जब तक यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यानी वीडियो जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से भाई लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में वालों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा भी हेल्प कर देना। तो चलिए आपको आगे ये चीज़ बताता हूँ। तो भाई लोग सिंपली आप यहाँ पे अपना वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना एंड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इंपोर्ट कर लेना एंड उसके बाद भाई लोग सिंपली आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, बहुत कम काम करना है। देखो जहाँ से हमारा यहाँ पे जो इस तरह से हम तो वहाँ पे सारा चीज़ एडिटिंग कर लिया, बस भाई लोग यहाँ पे हमें बस कुछ इफेक्ट वगैरह एंड ट्रांजेक्शन लगाना है एंड हमारा वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से आया था और यहाँ पे जैसे ही मेरा ट्रोल फेस आ रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, तो भाई लोग सिंपली आपको उस पोजीशन पे आना है एंड यहाँ पे स्प्लिट मार देना है एंड स्प्लिट मार के फिर से आप उस लेयर के ऊपर क्लिक करना एंड क्लिक करके भाई लोग आपको चले जाना है एनिमेशन पे, और एनिमेशन
भाई लोग यहाँ पे आपको आकर आपको यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी अच्छा लगे देना, तो भाई लोग मैं यहाँ पे रॉक भार्टी का भी एनिमेशन दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो भी अच्छा लगे तो भाई लोग आपको यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विंग बोर्ड वाला एनिमेशन दे देता हूँ, स्विंग बॉटम वाला, तो आप जो भी चाहे आपको अच्छा लगे तो आप दे देना। एंड देकर भाई लोग फिर से आप यहाँ पे आ जाना इफेक्ट में, ओके, फिर से आप यहाँ पे आ जाना इफेक्ट में, एंड आकर भाई लोग वीडियो इफेक्ट में आ जाना। एंड यहाँ पे भाई लोग आपको फिर से नाइट क्लब में आ जाना, एंड नाइट क्लब में आकर भाई लोग यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले भाई लोग आपको यहाँ पे दे देना है ब्लैक फ्लैश 2, तो ओके, तो ब्लैक फ्लैश 2 वाला इफेक्ट देना है। एंड देखकर भाई लोग इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक वोटिंग रखना है। एंड उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इफेक्ट में आना है, ओके, फिर से वीडियो इफेक्ट में आ जाना है। एंड आकर भाई लोग आपको यहाँ पे शेक वाला इफेक्ट दे देना है। एंड देखकर भाई लोग फिर से टिक करना है। एंड टिक करके भाई लोग आपको इसका जो एडजस्ट पे आकर इसका स्पीड एंड इंटेंसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैं जितना कर रहा हूँ 10 या 15 के अराउंड में रख देना। एंड भाई लोग आपको यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो भाई लोग आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, अगर चाहो तो आप अपने हिसाब में और भी बहुत कुछ एडिटिंग करते हो, और फिर शुरू में आना अपने वीडियो में। एंड आकर भाई लोग आपको यहाँ पे इफेक्ट में आके भाई लोग आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट दे देना है, कैमरा शेक वाला इफेक्ट दे देना है, पूरा अपने वीडियो क्लियर पे लगा देना है कैमरा शेक वाला इफेक्ट, जिससे भाई लोग हमारा वीडियो में थोड़ा सा यानी मोमेंट आएगा जो देखने वालों अच्छा लगता है, ठीक है। तो कैमरा शेक वाला इफेक्ट दे देना, तो इसको देने के बाद टिक कर देना। एंड भाई लोग यहाँ पे आपका जो वीडियो 100% बन चुका है, और उसके बाद भाई लोग WRG भाई का वो वाला वीडियो आप डाउनलोड कर लेना। एंड इसका आप यहाँ पे ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना, एंड आपका यहाँ पे वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे इस तरह से वीडियो बना लेना। एंड आपके यहाँ पे और कुछ नहीं काम करना है, तो अगर आप चाहो तो अपने हिसाब में यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं करूँगा, सिंपली ऊपर में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके ये सारा चीज़ लेयर वगैरह फुल कर लेना अपने फोन की अकॉर्डिंग, और सिंपली भाई लोग आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो भाई लोग जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है, अब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई लोग वीडियो बनाना है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एंड भाई लोग 1K लाइक टारगेट एंड 500 कमेंट टारगेट जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। और क्यों ना वीडियो तो नहीं आने वाला है भाई लोग, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ।